नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रजा सिंह। जब से नई सरकार के गठन के बाद संसद सत्र शुरू हुआ, तब से एक भी दिन हंगामे के बिना नहीं गुजरा हो। लोकसभा हो या राज्यसभा, दोनों में वाद विवाद और हंगामे में ही दिन गुजरा। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ। राज्यसभा में जब पीएम मोदी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोल रहे थे, तो विपक्षी सांसदों ने विरोध किया, वहीं नारे लगाए और यहां तक कि वॉक आउट किया। विपक्षी सांसदों का कहना है कि विपक्ष के नेता को बोलने की अनुमति नहीं दी गई है और उन्हें इसकी अनुमति दी जानी चाहिए। इस पर सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि मैंने विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को बिना रोक टोक बोलने का अवसर दिया। आज वो सदन छोड़कर नहीं गए हैं, बल्कि मर्यादा छोड़कर गए हैं। उन्होंने मुझे पीठ नहीं दिखाई है, बल्कि संविधान को पीठ दिखाई है। विपक्ष के इस हंगामे के बीच पीएम मोदी की कल का एक वीडियो वायरल हो गया, जो विपक्ष के मुंह पर तमाचा मारता नजर आ रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा का राज्यसभा में जवाब देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 10 साल के बाद किसी एक सरकार की लगातार फिर से वापसी हुई है और मैं जानता हूं कि भारत के लोकतंत्र में 6 दशक बाद हुई ये घटना असामान्य घटना है। देश की जनता ने परफॉर्मेंस को प्राथमिकता दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन के दौरान 26 जनवरी को संविधान दिवस मनाए जाने के फैसले का उल्लेख करते हुए आरोप लगाया कि संविधान के प्रति हाथ में घूमने वाले लोगों ने इसका भी विरोध किया था। सदन में मौजूद विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस पर आपत्ति जताई और आसन से अपना पक्ष रखने का आग्रह किया। हालांकि सभापति जगदीप धनखड़ ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। इसके बाद विपक्षी सदस्यों ने हंगामा और नारेबाजी शुरू कर दी। प्रधानमंत्री मोदी ने हंगामे के बीच ही अपना संबोधन जारी रखा और कुछ देर बाद विपक्षी सदस्य सदन से वॉकआउट कर गए। लेकिन इसी बीच एक वीडियो कल की सामने आई, जब लोकसभा में पीएम मोदी अपना भाषण दे रहे थे और विपक्षी जमकर हंगामा काट रहे थे। इसी बीच पीएम मोदी ने कुछ ऐसा किया जिसने सभी का दिल जीत लिया। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अंदाज कई बार लोगों को हैरान कर जाता है। इस वक्त जहां पीएम मोदी अपने अंदाज से विरोधी सांसदों को हक्का बक्का कर रहे हैं, ऐसे में कल उन्होंने लोकसभा में भी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव में चर्चा के दौरान नरेंद्र मोदी ने 2 घंटे से ज्यादा भाषण दिया। विपक्षी पार्टी के नेता पीएम मोदी के भाषण का विरोध कर रहे थे, जोर जोर से नारे लगा रहे थे, लेकिन मेल में जाकर नारेबाजी कर रहे सांसदों को पीएम मोदी ने पानी का ग्लास ऑफर किया ताकि वो पानी पी सकें। पीएम मोदी ने सबसे पहले कांग्रेसी सांसद मणिकम टैगोर को पानी का ग्लास ऑफर किया, लेकिन उन्होंने लेने से मना कर दिया। फिर उन्होंने दूसरे सांसद हिबी ईडन को पानी का ग्लास चढ़ाया, जिसे लेकर वो वीडियो में पानी पीते नजर आ रहे हैं। ये वीडियो इस वक्त फिलहाल चर्चा का विषय बना हुआ है। सोशल मीडिया पर लोग इसे विपक्ष के प्रति पीएम मोदी का प्रेम बता रहे हैं। वाकई देखा जाए तो जहां संसद में बीते कुछ सालों से हर गरिमा का उल्लंघन हुआ है, वहीं ये वीडियो सदन में एक सकारात्मक मौजूदगी की ओर इशारा कर रहा है। लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी ने एक अलग तरह के राजनीतिक संस्कार की वानगी पेश की, जिसे विपक्ष को भी जरूर सराहना चाहिए। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।